हम संचालन के सिद्धांत की बात कर रहे थे और संचालन के सिद्धांत में हमने संचालन के स्वरूप को देखा। संचालन के स्वरूप को देखने के बाद, स्वरूप मतलब हम उसके लक्षण को ही समझ सकते हैं, है ना। तो स्वरूप को देखने के बाद हमें उसका महत्व ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम संचालन का महत्व देखें, तो वैसे तो संचालन का नहीं, संचालन के सिद्धांत का महत्व, तो संचालन के सिद्धांत का महत्व देखें तो वो तो संचालन के सिद्धांत ही आपको बता देंगे कि उसका महत्व क्या है। एक्चुअल में तो हम संचालन के जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो संचालन के सिद्धांत के बाद अगर महत्व पढ़ेंगे तो आपको महत्व पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक कल कॉलेज के एक अकाउंटेंसी के चैप्टर का वीडियो देख रहा था, तो उसमें भी एक संचालन का सिद्धांत की बात बताई थी, राइट प्लेस राइट मैन राइट प्लेस, है ना। तो मतलब जो सही गुण वाला व्यक्ति सही जगह पे होगा तो काम होगा, और सही गुण वाला मतलब सही गुण वाला को मतलब जिसको जो काम आता है वो उसी जगह पे रहेगा तो सही होगा, लेकिन जिसको गुण जो काम आता है वो किसी और जगह पे उसको रख दिया जाए और जिसको जो नहीं आता है वो किसी और जगह पे रख दिया जाए तो वो सही नहीं है। एक संचालन का सिद्धांत हो गया, है ना। तो वहाँ से उसकी वजह से क्या फ़ायदा होने वाला था तो उसी के अंदर दिख रहा था। फिर भी हम एक बार ऊपर ऊपर से इसको देख लेते हैं कि संचालन के सिद्धांत मानव व्यवहार की दृष्टि, मानव व्यवहार को दूरदृष्टि प्रदान करता है। संचालन के सिद्धांत किसने बनाए हैं? पुराने मैनेजमेंट्स ने, मतलब पुराने बहुत अच्छे मैनेजर जो है उन्होंने सोच विचार करके संचालन के सिद्धांत बनाए, अपने अनुभव का निचोड़ डाला है उसमें। साथ ही संचालन का कार्य को बहुत प्रभावित करते हैं, मतलब संचालन का सिद्धांत जो है वो संचालन के कार्य को प्रभावित करते हैं, क्योंकि संचालन के सिद्धांत के अनुसार अगर संचालन के कार्य का ध्यान में मतलब संचालन के कार्य करेंगे तो संचालन के कार्य बहुत आसान हो जाएंगे। संचालन के जितने भी कार्य, आयोजन व्यवस्था, तंत्र का कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण, ये सब भी कार्य बहुत ही आसान हो जाएंगे, इसलिए संचालन के सिद्धांत उसको बहुत ही प्रभावित करते हैं। संचालक लक्ष्य प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करता है, इसका संचालन के कार्य और संचालन के सिद्धांत का उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए करता है। ये सिद्धांत संचालकों को निर्णय करने के लिए दिशा दिखाते हैं। वैसे संचालन के सिद्धांत किसी भी इकाई के लिए चाबी स्वरूप भूमिका निभाते हैं। इनका महत्व निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है। पहला महत्व आपकी बुक में होगा संचालकीय कार्यक्षमता में वृद्धि। ये संचालकीय कार्यक्षमता क्या है? अगर कोई व्यक्ति जिसने बीबीए, बीबीए मतलब बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, या फिर एमबीए या मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है, मतलब वो एक संचालक के बारे में थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया है, मैनेजमेंट के बारे में उसने पढ़ाई कर लिया है, वो थियोरिकल वो उसको पूरा नॉलेज है ना, तो उसको संचालन के सिद्धांत का नॉलेज है ना, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस संचालन के सिद्धांत का उपयोग कर पाएगा? वो उसके ऊपर निर्भर है, उसकी कला के ऊपर निर्भर है, क्योंकि संचालन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिजनेस मतलब संचालन के सिद्धांत के बारे में उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, समझ लीजिए 10वीं 12वीं जितना पढ़ के वो बिजनेस में लग गया है, तो उसको अनुभव मिल सकता है खुद का। लेकिन जो अनुभव, कभी कभी ऐसा होता है कि हर एक अनुभव खुद को नहीं करना चाहिए, पता है ना, है? जैसे कि जहर पीने का अनुभव तो नहीं करेंगे ना हम लोग, करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। तो संचालन के अंदर भी अगर हमें सभी अनुभव तो करना जरूरी नहीं है ना, सभी अनुभव हम खुद करने जाएंगे तो कितने साल बाद एक्सपीरियंस बनेंगे? बहुत साल लग जाएंगे, है ना, तब तक तो हमारे मतलब जीवन भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो सभी अनुभव तो हमको मिल नहीं सकते, लेकिन सभी अनुभव को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं मिल सकते, लेकिन जिन जिन लोगों ने ऐसे अनुभव को मतलब ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं और अनुभव प्राप्त करने के बाद ऐसे सिद्धांत बनाए हैं, वो सिद्धांत को अगर अच्छे से सोचेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको सोचेंगे, सोचने के बाद उसको
मतलब उसके बारे में तो उसके बारे में हम मतलब क्या बोलते हैं, चिंतन करेंगे वो लोग। और चिंतन करने के बाद वो उसका मतलब वो वहाँ उसको अमल में लाएंगे। अमल में लाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसको अपने उस अनुभव खुद का तो है ही थोड़ा बहुत, और उसने जो संचालन के सिद्धांत के बारे में पढ़ाई किया, उसके बारे में मतलब पढ़ाई करने के बाद उसने सोचा, चिंतन किया, चिंतन करने के बाद उसको अमल में लाएगा, तो क्या होगा, संचालक तो वो था, मतलब पहले से वो 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद वो धंधे में तो घुस गया था, मतलब संचालन तो वो था ही, बराबर है। तो संचालक के कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि वो संचालक था लेकिन उसने ये सिद्धांत को पढ़ने के बाद उसको अमल में लाया, तो उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई कि नहीं, हुई ना। ओके, तो संचालक के सिद्धांत संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है इसके लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा व्यवसाय की इकाई की कार्य पद्धति सुधरती है और इससे संचालक के कार्यक्षमता में भी वृद्धि दिखाई पड़ती है। तो दूसरा टॉपिक है साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध। जैसे जैसे हम संचालन के सिद्धांत देखेंगे ना, उसके हर एक महत्व हमें बार बार याद आएंगे कि हाँ, ये संचालन के सिद्धांत में साधनों का महत्तम उपयोग होता है, हाँ ये संचालन के सिद्धांत में संचालक की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, हाँ ये संचालक समाज संचालक के सिद्धांत के अंदर सामाजिक दायित्व को हम निभा सकते हैं। जैसे जैसे संचालन के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सबको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, हमें ये सब उसके फायदे भी याद आते रहेंगे बीच बीच में। तो साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध, नॉर्मली इकोनॉमिक की दृष्टि से, अर्थशास्त्र की दृष्टि से साधन कौन से, जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन, है ना। नॉर्मली ये चार है, लेकिन धंधे के लिए हम क्या क्या साधन बोल सकते हैं, जो भी हम संपत्ति का धंधे में उपयोग करते हैं, जमीन है, यंत्र है, पैसा है, मतलब पूंजी, श्रम, श्रम मतलब जो आदमी को हम काम पे रखते हैं वो काम, मतलब मजदूर है, और उन सबको उन सबके लिए जो लगने वाला खर्च है, मतलब पैसा है, पूंजी है, और वो पूंजी के ऊपर इन सब के साथ भी एक चीज़ और लगने वाली है, वो है टाइम, है ना, समय भी एक साधन है। तो ये सब का महत्तम उपयोग करेंगे तो प्रभावशाली प्रबंध और प्रभावशाली प्रबंध हम रख पाएंगे। तो किसकी वजह से, संचालन के सिद्धांत की वजह से। संचालन के सिद्धांत जो है वो क्या करेंगे, एक तो संकलन को स्थापने संकलन बनाए रखने में मदद करेंगे। संचालन के सिद्धांत जो है वो इस तरह से मानव को देखेगा, मतलब मानव के वर्तन को इस प्रकार से देख के उसके ऊपर से वो जो ऐसे निर्णय लेंगे, और ऐसे निर्णय लेने के बाद संचालन के सिद्धांत के द्वारा ऐसे मतलब डिसीजन लिए जाएंगे जिससे जो भी कार्य होगा, तो बिजनेस के अंदर जो भी कार्य होगा वो और आसान हो जाएगा। और आसान बनने की वजह से क्या होता है, साधन का महत्तम उपयोग होता है, बिगाड़ कम होता है, बिगाड़ कम होता है, उपयोग ज़्यादा होता है तो लाभ तो होता ही होता है। उसके साथ साथ प्रबंध भी प्रभावशाली होता है हर एक चीज़ के लिए। अगर मानव का व्यवहार को ही अगर समझ लिया जाए और मानव के व्यवहार के हिसाब से ही अगर काम किया जाए, है ना, तो प्रबंध, प्रबंध मतलब क्या होता है पता है ना आपको, लिखा पढ़ाई जो भी करना होता है, ऑफिस वर्क जो होता है, जो आप मतलब नवसर्जन स्कूल में जो सैनिटी, मतलब क्या नाम है उसका, सैनिटी टीचर करते हैं, वो सब प्रबंध का काम है। प्रिंसिपल करते हैं, उसमें भी बहुत सारा प्रबंध का काम आ जाता है। तो व्यवसाय की इकाई में उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधन अधिकतर सीमित होते हैं। मानव और भौतिक संसाधन, मानव भी सब सीमित है, भौतिक संसाधन मतलब यंत्र है, कच्चा माल है, समय है, वो सब सीमित है। उसका महत्तम उपयोग अनिवार्य है। महत्तम का अर्थ संसाधनों का संचालन के सिद्धांतों के द्वारा इस प्रकार उपयोग करना कि जिससे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए। संचालन के सिद्धांत संचालकों को उनके द्वारा लिए गए निर्णय, कार्य का कारण और प्रभाव देखने के लिए अवसर देते हैं। संचालन के सिद्धांत क्या करते हैं,
संचालकों को उसने जो निर्णय लिया है, निर्णय लेने के बाद उसने जो कार्य किया है, कार्य करने के लिए उसने कौन से कारण की वजह से कौन सा कार्य किया, मतलब कार्यों का कारण क्या कौन सा था, और कार्य करने के बाद निर्णय लेने के बाद जो प्रभाव हुआ वो प्रभाव, ये सब देखना है, उसको रिसर्च करना है। वो रिसर्च करने के लिए संचालन के सिद्धांत क्या देते हैं, अवसर देते हैं। देखो पहले करो, बाद में सिद्धांत को देखो और सिद्धांत क्या कहते हैं और तुमने जो अनुभव किया उन दोनों में क्या अंतर है वो देखो, मतलब अवसर देते हैं। जिसके द्वारा प्रयत्न और भूल, मतलब प्रयत्न और भूल मतलब द्वारा होता अपव्यय रोका जा सकता है। प्रयत्न और भूल मतलब हम जो मैथमेटिक्स में सवाल करते हैं ना, वो ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल ट्राई करेंगे, गलती होगी सीखेंगे, वापस वही गलती वापस नहीं दोहराएंगे। ट्राई करेंगे, गलती होगी सीखेंगे, वही गलती वापस नहीं दोहराएंगे। ट्राई करेंगे, गलती होगी सीखेंगे, मतलब जिंदगी भर गलती तो करते ही रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो लोग गलती कर चुके हैं, जो गलती कर चुके हैं उसके अनुभव के द्वारा, जो गलती कर चुके हैं उसके अनुभव के द्वारा, उसके अनुभव के द्वारा हमें ट्राई करने की जरूरत नहीं, वापस भूल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिद्धांत में ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि ये चीज़ें गलती होती है, ऐसी ऐसी आमतौर पे गलती होती है, ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो वो सब गलतियां वहां पे ऑलरेडी लिखी हुई है संचालन के सिद्धांतों में, है ना। तो ऑलरेडी वो गलतियां पता है, तो फिर हम पहले से ही पता है तो वो गलती करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना। और नहीं गलती पहले से ही नहीं करेंगे, पहले से हम चौक जाएंगे, पहले से हम क्या बोलते हैं उसको, चौकन्ने रहेंगे, बराबर है, वो गलती ना करने के लिए। तो क्या भूल होगी हमारी? मतलब भूल नहीं होगी, मतलब बिगाड़ होगा, है ना। लेकिन हम ट्रायल एंड एरर करते रहेंगे तो क्या होगा, बिगड़ेगा ना, बहुत सारा माल बिगड़ जाएगा, बहुत सारा सामान बिगड़ जाएगा, बहुत सारा साधन खराब हो जाएगा, बहुत सारा माल बिगड़ जाएगा, साधन खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, समय व्यतीत होगा, है ना। तो बहुत सारा खर्च होगा, बहुत सारा खर्च होगा तो क्या होगा, साधन का महत्तम उपयोग हो सकता है, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खराब उपयोग होगा ना, ज़्यादा खर्च हो जाएगा तो ज़्यादा उपयोग होगा खराब। तो संचालन के सिद्धांत, जैसे कि आज तक मैं कंप्यूटर सीखा हूँ, तो आज तक मैं कहीं पे कंप्यूटर सीखने के लिए कोई कोर्स नहीं किया है। मैं बचपन से ही, मेरे घर पे ही कंप्यूटर था, तो कंप्यूटर मैं खुद से ही सीख लिया हूँ, है ना। गलती करता था भी कंप्यूटर बिगड़ जाता था, मेरे पापा वापस सुधार के देते थे, वापस गलती करता था, वापस कंप्यूटर बिगड़ जाता था, वापस मेरे पापा सुधरवा के देते थे। कहीं पर मैं कोर्स नहीं किया हूँ, लेकिन मेरे पापा को कितना सारा खर्च पड़ गया। लेकिन यही चीज़ मैंने अगर कोर्स कर ली होती तो वहाँ पे वो लोग कंप्यूटर जिसको आता है ऑलरेडी, वो ज़्यादा मगजमारी करने देते हैं, नहीं करने देते। वो लोग को आपको सिखा देते कि भाई ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, बस ये करने के लिए ये करना है, ये करने के लिए ये नहीं करना है, उसका कारण बता देते, रीज़न बता देते, क्यों करना है क्यों नहीं करना है, वो सब सिखा देंगे। तो गलती होगी उसमें? गलती नहीं होगी तो उसका कंप्यूटर बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा, है ना। अच्छा, लोगों के पास कार होती है, तो कार होते हुए वो अपने फैमिली मेंबर्स को कार सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? सिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी, वो कार अपनी होती हुए भी वो लोग कार ड्राइविंग स्कूल वालों के पास क्यों जाते हैं अपने फैमिली मेंबर को कार सिखवाने के लिए? गाड़ी खराब हो सकती है, गाड़ी बिगड़ सकती है, गाड़ी में ज़्यादा खर्चा हो सकता है। दूसरी चीज़, गाड़ी तो ठीक है, हैं, जो वहाँ पे एक अच्छा सिखाने वाला ड्राइवर, कह लें ड्राइवर, सिखाने वाला जो है ना, वो ड्राइवर नहीं होता, आम ड्राइवर और सिखाने वाले में बहुत फर्क होता है। सिखाने वाले को पता होता है कि कौन सा नया ड्राइवर जो है वो कौन सी गलती कर सकता है। दूसरी चीज़, उसकी कार के अंदर जो है ना, वो बाजू में बैठने वाला भाई, बैठने वाला जो होता है ना, जहाँ पे वो सिखाने वाला बैठता है ना, वहाँ पे भी ब्रेक और क्लच का पैर के पास रखा गया होता है, ताकि वो गलती करे तो वहाँ पे उसको एक वहीं पे वो लोग ब्रेक मार सकते हैं, कार को कहीं पे भी बीच में रोक सकते हैं, अगर ये नहीं रोक पाए तो सीखने वाले, है ना। तो इस प्रकार पहले वहाँ पे सिखाया जाता है, बाद में उसको खुद की कार सीखने के लिए दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक अनुभवी का लाभ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे संचालन के सिद्धांत मौजूद है,
वो अनुभवी व्यक्ति खुद भले नहीं है, लेकिन बहुत सारे अनुभवी व्यक्तियों के बहुत सारे अनुभव का निचोड़ यहाँ पे संचालन के सिद्धांत के तौर पे है, है ना? तो अच्छा है ना संचालन के सिद्धांत। अच्छा, तो वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों में सहायक, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और मजा आएगा, और मजा आएगा। वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों में सहायक, निर्णय सदैव वास्तविक विचारपूर्वक लिए गए, उद्देश्य संगत और न्यायी होने चाहिए। कोई भी निर्णय हो न्यायी होने चाहिए, है ना? इसके उपरांत निर्णय समय पर यथार्थ और प्रभावशाली होने चाहिए। संचालन के सिद्धांत संचालकों की योग्य निर्णय लेने के लिए चाबी स्वरूप भूमिका प्रदान करते हैं। संचालन के सिद्धांत के उपयोग द्वारा पक्षपात रहित और पूर्वग्रह के बिना योग्य निर्णय समय पर लिए जा सकते हैं, है ना? तो निर्णय लेने में भी संचालन के सिद्धांत में ऐसे ऐसे सिद्धांत भी है जो कि हमें निर्णय लेने में सहायक होते हैं, और समय पर निर्णय लेने में सहायक होते हैं, सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं, प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायक होते हैं, है ना? और न्यायी, उद्देश्य संगत, विचारपूर्वक हम निर्णय ले सके, उसके लिए हमें वहाँ पे कोई ना कोई अनुभव, कोई ना कोई सिद्धांत मिल जाते हैं। तो संचालन के सिद्धांत का वैसा देखा जाए तो यहाँ पे तो आपको केवल एक ही चैप्टर है, लेकिन असल में अगर आप उसको ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरीज में, स्कूल की लाइब्रेरी में मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन जो हमारी वीर नर्मद लाइब्रेरी है वहाँ पे से आप मेंबरशिप लेके वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ऑनलाइन आपको मिल जाए तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर किताबें इंग्लिश में होती है, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है इंग्लिश। तो कॉमर्स का इंग्लिश तो बहुत आसान है, साइंस का इंग्लिश मुश्किल है, लेकिन कॉमर्स का तो बहुत आसान है। आपको लग रहा है हार्ड लग रहा है कॉमर्स का इंग्लिश? उससे अच्छा तो आपका इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक है ना, वो इंग्लिश बहुत हार्ड है ना? तो बहुत मज़ा आता है ये संचालन के सिद्धांत की बुक पढ़ने के लिए, पढ़ने में। तो संचालन के सिद्धांतों के उपयोग द्वारा पक्षपात रहित और पूर्वग्रह के बिना योग्य निर्णय समय पर लिए जा सकते हैं। देखो, समय पर शब्द लिखना जरूरी है, योग्य शब्द लिखना जरूरी है, पक्षपात रहित और पूर्वग्रह के बिना ये शब्द लिखना जरूरी है। एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक का एक अर्थ निकलता है। चौथा, परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष, परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष। तो व्यावसायिक पर्यावरण भी आपका एक चैप्टर है, पूरा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, आई थिंक। सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शन ही नहीं, परंतु परिवर्तित परिस्थिति में बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष टिके रहने के लिए संचालन के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। ठीक से सुनाई दे रहा है ना? तो व्यावसायिक पर्यावरण क्या है? व्यवसाय के अंदर जो कार्य हो रहा है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा बाहर के जो चीज़ें हैं व्यवसाय को इफेक्ट करेगी, प्रभाव करेगी, असर करेगी, वो भी व्यावसायिक पर्यावरण में आता है, है ना? तो व्यावसायिक पर्यावरण मतलब बाहर के जो परिबल है, बाहर के जो प्रभावकारी बल परिबल है, वो तो बदलते रहते हैं। तो सामान्य रूप से संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शक ही नहीं है, परंतु परिवर्तित परिस्थिति में बदलते हुए व्यावसायिक पर्यावरण मतलब बाह्य इफेक्ट करने वाले के समकक्ष टिके रहने के लिए संचालन के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। उसके बाद है सामाजिक दायित्व निभाना। व्यवसाय समाज का अविभाज्य अंग है, लाभ को व्यवसाय का एकमात्र ध्येय माना जाता है, परंतु एकमात्र ध्येय नहीं है, समाज का विकास और उन्नति यह भी व्यवसायिक इकाई के ध्येय है। संचालन के सिद्धांतों के प्रभावशाली अमल के द्वारा व्यवसायिक इकाई सरलता से सामाजिक दायित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है।
फिर से बोल रहा हूँ, व्यवसाय समाज का अविभाज्य अंग है, है ना। कोई भी व्यवसाय है वो समाज के लिए है, समाज के बीच में रहने के लिए है। समाज को जो डिमांड नहीं होगी वैसा व्यवसाय करने में कोई मतलब किसी को फायदा है? समाज के लोगों को जो डिमांड होगी, उसकी जो मांग होगी, वही व्यवसाय करेंगे तो चलेगा ना कि नहीं चले? कि उसको डिमांड नहीं है ऐसी चीज़ें बेचेंगे मार्केट में? तो लाभ को व्यवसाय का एकमात्र ध्येय तो माना जाता है, परंतु एकमात्र ध्येय नहीं है। समाज का विकास और उन्नति यह भी व्यवसायिक इकाई के ध्येय है और होने ही चाहिए, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। संचालन के सिद्धांतों के प्रभावशाली अमल द्वारा व्यवसायिक इकाई सरलता से सामाजिक दायित्व के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तो संचालन के सिद्धांत उसमें भी मदद करते हैं, कहने का अर्थ ये लिखा है, है ना। तो हर एक व्यक्ति जो कि जिसके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, तो जितनी जिनके पास क्षमता है उसका दायित्व भी उतना बढ़ता है। जिसके पास जितनी क्षमता बढ़ती है दायित्व भी उसका उतना ही बढ़ता है, है ना। तो अगर आपके पास क्षमता बढ़ती है, आपके पास लाभ कमाने की क्षमता बढ़ती है, आपके पास कुछ और क्षमता बढ़ती है, तो जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ जाती है तो उसका अर्थ ये मत समझना कि वो क्षमता केवल आपके खुद के लिए बढ़ रही है। वो क्षमता पहले तो आपके खुद के लिए ही बढ़ती है कि आप खुद को अपना पूरा कर सको, अपनी मतलब भूख पूरी कर सको, अपनी फिजिकल जरूरत, मतलब फिजिकल जरूरत मतलब शारीर की जरूरतों को पूरा कर सको, उसके बाद अपने मन की जरूरतों को पूरा कर सको, अपने बाद उसके अपने हृदय की जरूरतों को पूरा कर सको, उसके बाद अपने आत्मा की जरूरतों को पूरा कर सको। लेकिन हृदय की और आत्मा की जरूरतें ऐसे ही पूरी नहीं हो जाती है। उसके लिए हृदय की और आत्मा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और का भला भी करना पड़ता है। हृदय की और आत्मा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और का मतलब एक दो जने का, पाँच जने का, पंद्रह जने का भला कर देंगे तो हृदय की आवश्यकता पूरी हो सकती है, है ना। लेकिन 5,000, 5,00,000 लोगों का भला करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आत्मा की जरूरत भी पूरी हो जाएगी, है ना। पूरी तो नहीं लेकिन संतुष्टि मिलेगी, हमको बहुत आनंद मिलता है जब हम किसी का मदद करते हैं ना, बहुत आनंद मिलता है। खुशी नहीं मिलती, आनंद मिलता है। आप बोलोगे खुशी और आनंद में क्या अंतर है, वो मैं कभी सिखाऊंगा। तो हर एक व्यक्ति का सामाजिक दायित्व अपने आप ही बनता है जब उसका कार्यक्षमता बढ़ता है। अपनी कार्यक्षमता जैसे जैसे बढ़ती है तो अपने आजू बाजू वाले को मतलब हेल्प करते रहना पड़ता है, है ना। और ज़्यादा कार्यक्षमता बढ़ती है तो 5-6 लोगों का मदद कर देते हैं, और ज़्यादा कार्यक्षमता बढ़ती है 10-15 लोगों का मदद कर देते हैं, अपने परिवार का मदद कर देते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, क्यों बढ़ती है भाई? लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। तो वही अपने आप अपना सामाजिक दायित्व आ जाता है। और संचालन के सिद्धांत क्या करेंगे, वो सामाजिक दायित्व को निभाने में हमारी मदद करेंगे, सरल कर देंगे। अच्छा, संशोधन प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। तो संचालन के सिद्धांत अभी तक तो जितने बने हैं उतने ही बने हैं, है ना। अब इससे ज़्यादा नए बनाने की ज़रूरत तो है नहीं, है? आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नए बन सकते हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि संचालन के सिद्धांत अभी तक जो बन चुके हैं उसके बाद नए बनाने की ज़रूरत की बात ही नहीं होती। संचालन के सिद्धांत तो मानव व्यवहार पर आधारित है, तो संचालन के सिद्धांत तो नए बनते ही रहते हैं, रोज ना रोज नए बनते रहते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि वो लोग उसको बुक में अप्लाई नहीं करते, उसके लिए बुक के अंदर वो लोग लिखते नहीं है, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे भविष्य में लिखते रहेंगे बुक में, हाँ। विवेक बिंद्रा भी कितने सारे संचालन के सिद्धांत खुद से बना बना के आप लोगों को वीडियो के रूप में मतलब प्रस्तुत कर रहे हैं ना, विवेक बिंद्रा जी। बहुत सारे संचालन के सिद्धांत हम सबको बताते हैं कि लोगों को मतलब एक दूसरे का साथ दे के धंधे को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे संचालन के सिद्धांत वो बोलते रहते हैं, गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल, गोल्डन लाइन, है ना। तो वो देखो, विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखो, चेस सीखो। क्या सीखो? चेस सीखो, विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखो, और अखबार में इकोनॉमिक्स मतलब बिजनेस की जो सोमवार को शायद आते हैं, मतलब पूर्ति आती है,
उसको पढ़ो, गुजराती मीडियम गुजराती में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, जितना भी आए पढ़ो, बहुत मज़ा आता है। कॉमर्स तो सबसे निराला सब्जेक्ट है, अलग ही सब्जेक्ट है। निराला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके एक्चुअली वैसे निराला भी नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि उसके अंदर जितना आप डीप में जाओगे ना उतना कम पड़ेगा, है ना, वो उतना बहुत समंदर से भी ज़्यादा है समझो, ठीक है। तो संशोधन प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी संचालन के सिद्धांत संचालन विचारधारा का मुख्य भाग है। संचालन के सिद्धांत, अभी नया कोई संचालन का सिद्धांत बनाना है तो पुराने संचालन के सिद्धांत का उपयोग करके नया बनाया जा सकता है कि नहीं? नया बनाना है, हाँ, तो पुराने संचालन के सिद्धांतों को ध्यान में रख के उसके ऊपर अनुभव लेके बाद में नया भी उसमें भी कुछ चेंजेस करके थोड़ा और नया टॉपिक उसमें डाला जा सकता है। तो संचालन के सिद्धांत के उपयोग द्वारा ही प्रशिक्षण शिक्षण और विकास का कार्य संभव होता है। जैसे विविध व्यवसायिक इकाइयों में नियुक्ति के लिए अभिरुचि की कसौटी ली जाती है, यह अभिरुचि कसौटी परीक्षा संशोधन से तैयार की हुई होती है और संचालन के सिद्धांतों के अमल द्वारा इसका उपयोग करके योग्य कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है। व्हाट इज अभिरुचि टेस्ट? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। उस टेस्ट के अंदर बहुत सारे MCQs या ऐसे सवाल होते हैं जो आपकी सोच के अनुसार, अच्छा, आप उसमें कोई भी आंसर गलत नहीं होता, पहली बात। उसके ऑप्शंस जो होते हैं उसमें से कोई भी ऑप्शंस गलत नहीं होता एप्टीट्यूड टेस्ट में। मैंने तो बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट दी हुई है, तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता। तो वो जो ऑप्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना, तो ऑप्शन एकदम प्रैक्टिकल होते हैं। तीन में से कोई भी ऑप्शन, मतलब तीन ऑप्शन होते हैं, ज़्यादातर चार ऑप्शन नहीं होते, तीन ऑप्शन होते हैं। तीन में से कोई भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वो लोग तय करेंगे कि आप कौन से प्रकार के इंसान हो, आपकी मतलब विचार सोचने की परिस्थिति कैसी है, आप कौन सी चीज़ में अभिरुचि है, एप्टीट्यूड की कौन सी चीज़ में है। और उस टाइप का टेस्ट लेने के बाद वो लोग आप तय करेंगे कि आप अगर सेल्स लाइन में जाने के लिए रेडी हो या फिर ऑफिस के अंदर काम करने के लिए रेडी हो, आप किसी को झूठ बोल के भी माल बेच सकते हो या ईमानदारी से भी आप अच्छी तरह उसको माल बेच सकते हो। तो वहाँ हर प्रकार के, वहाँ पे बहुत सारे 30-25-50 सवाल होते हैं, और सवाल के ऊपर से जितने भी आंसर हम देते हैं ABC, और उसके ऊपर से वो लोग निकालते हैं कि मतलब अपने हिसाब से उसने पहले से तय किया होता है, और ये पूरी टेस्ट उन्होंने बनाई होती है संशोधन के अनुसार। संशोधन मतलब उसने बहुत सारे लोगों की ऐसी टेस्ट ले लेके रिसर्च किया होता है, सर्वे किया होता है, उसके बाद ये टेस्ट बनाई जाती है और उस हिसाब से वो लोग ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, है ना। और ऐसी टेस्ट तो हमने भी सुनी है ना, टेट सुना है आपने, टीचर्स के लिए टेट होता है, टेट की एग्जाम टीचर्स के लिए होती है, परेश सर है, अनिल सर, हाँ, क्या है टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका फुल फॉर्म क्या है, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, शिक्षक अभिरुचि कसौटी, ठीक है। तो वे टेस्ट ली जाती है और उसमें अच्छा स्कोर आएगा तो वो टीचर के लिए लायक होगा, नहीं तो लायक नहीं होगा, है ना। लेकिन उस टेस्ट के अंदर जैसा मैंने बोला, ऐसे सवाल होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन दूसरे मतलब नॉलेज के सवाल ज़्यादा होते हैं, ज्ञान के सवाल ज़्यादा होते हैं। तो आज ये हमारा पीरियड ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं